आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? कौन सी थी? शकुंतला माथुर थी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? कौन से सप्तक के कवि हैं? ये तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर साहे नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, ये सभी तार सप्तक में सम्मिलित हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से है। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर साहे। यहाँ पर देख सकते हैं आप महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। कविता संग्रह, सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। आप कहानी संग्रह देख सकते हैं, इनके निबंध संग्रह भी लिखे हुए हैं, अनुवाद आदि, ठीक है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने दो उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। फिर से वही प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में, फिर उसके बाद 16 में भी आया, 2016 में आया, ठीक है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएँ हैं एक सुनी नाव, जंगल का दर्द। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? किसके? इनमें से किसी के लिए नहीं हुआ था, ठीक। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, ये किसके हैं? नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं ये। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? किस कौन सा है? दोनों, केसरी कुमार और नरेश मेहता। इससे पहले हमने पढ़ा है, इसे पूर्व भी पढ़ चुके हैं, दोनों सही हैं इसमें। इनमें से कौन सा प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, बाकी सभी हैं। गौर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? किसकी है? प्रयोगवाद की है, गौर अहमनिष्ठवाद व्यक्तिवाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इस प्रकार है, समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास, ठीक है। ये किसकी है? प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियां हैं। पूछ लिया जाता है प्रश्न पेपर में कि इनमें से कौन सी प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हैं या छायावाद की प्रवृत्तियां कौन सी हैं, इस तरह से।